गुड आफ्टरनून बच्चों, आज आप लोग संस्कृत गद्य भारती के अष्टम पाठा आदि शंकराचार्य का गद्यांश अर्थ पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपको हमने आदि शंकराचार्य का सारांश पढ़ाया था, अर्थात उनके विषय में जानकारी दी थी। व्याख्या देखिए। धन्येयं भारत भूमिर यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय सृष्टि स्थितकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामा कदाचित कृष्णश्च भूत्वा आविर्भवो। धन्येयं भारत भूमि, यम भारत भूमि धन्य, ये भारत भूमि धन्य है। यत्र साधु जनानां परित्राणाय, जहाँ साधु लोगों के रक्षा के लिए, दुष्कृतां च विनाशाय, और दुष्टों का विनाश करने के लिए सृष्टि स्थित कर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित राम कदाचित कृष्णश्च भूत्वा आविर्भव। ये भारत भूमि धन्य है, जहाँ साधु लोगों की, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए सृष्टि स्थित कर्ता परमात्मा स्वयं ही कभी राम कभी कृष्ण हो करके आविर्भव, मने अवतार लेते हैं, जन्म लिया। त्रेता युगे रामो धनुर्धत्वा विपतगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्था रक्षत। त्रेता युग में राम धनुर्धत्वा धनुष धारण करके विपतगामिनां राक्षसां, विपतगामी राक्षसों का संहार करके, संहारं कृत्वा संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्थां वर्ण व्यवस्था की अरक्षत रक्षा की। त्रेता युगे रामो धनुर्धत्वा, त्रेता युग में राम धनुर्धत्वा धनुष धारण करके विपत्गामी नाम विपत्गामी विपरीत रास्ते पर चलने वाले राक्षसाम राक्षसों का संहार करके, संहारम कृत्वा संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्थाम वर्णाश्रम व्यवस्था की अरक्षत रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्म धनसिना कुनरपतीन उत्पाट्य धर्मत्रायत, धर्मत्रायत। द्वापरे द्वापर युग में कृष्णो कृष्ण धर्मध्वंसिना धर्मध्वंसी कुनरपतीन बुरे राजाओं को उत्पाट्य नष्ट करके धर्मत्रायत धर्म की रक्षा की। सहीशा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नील लोहित भगवान शिवः शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। सहीशा वैसी ही, सा ऐसा वैसी ही स्थिति यदा मने जब, कलौ मने कलियुग में, समुत्पन्ना बभूव उत्पन्न हुई, जब वही स्थिति ऐसी ही स्थिति कलियुग में, कलौ कलियुग में समुत्पन्ना बभूव उत्पन्न हुई, तदा तब नील लोहित भगवान शिव शंकर रूप से पुनः प्रकटी वभु पुनः प्रकट हुए। भगवता शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य हराशः अवैदिकस्य प्राबल्यम चासीत। भगवान शंकर के जन्म काल में वैदिक धर्मस्य हराशः, वैदिक धर्म का ह्रास अर्थात वैदिक धर्म की हानि हो रही थी। अवैदिकस्य प्राबल्यम चासीत, और अवैदिक की प्रबलता हो रही थी, अर्थात वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था और अवैदिक का प्राबल्य हो गया था, अर्थात वेद को कोई नहीं मानता था। अशोक आदि नृपति नाम राज बलम आश्रित्य पंडितम मन्या सांप्रदायिका वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रु। अशोक आदि राजाओं की का राजबल के राजबलम आश्रित, राजबल का आश्रय लेकर के पंडितम
अन्या राजबल का आश्रय लेकर पंडित अन्य संप्रदाय का और अन्य सांप्रदायिक वेद मूलम धर्मम तिरस्कृत, अन्य सांप्रदायिक जो है वेद मूल धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। लोक जीवनम अंधत मिश्रियाम तस्याम मुहुर मुहुर मुह्यमानम क्षणम अपि शर्मम न लेभे। लोक जीवन तस्याम उनका लोक जीवन अंध तमस्याम अंधकार के अंधविश्वासों के अंधकार में मुहुर मुहुर बार बार मुह्यमानम मने मोहित तो होता हुआ क्षण भर भी सुख को नहीं प्राप्त कर रहा था। लोक जीवनम अंत तमिश्रायाम तस्याम मुहुर मुहुर मुह्यमानम क्षणम अपि शर्मम न लेबे। तस्याम लोक जीवन अंध तमिश्रयाम अंधकार के अंधविश्वासों के अंधकार में मुहुर मुहुर बार बार मुह्यमानम मने मोहित होता हुआ क्षणम अपि क्षण भर भी शर्मम न लेबे। सुख नहीं प्राप्त कर रहा था, कल्याण को नहीं प्राप्त कर रहा था। तस्याम विषम स्थितौ भगवान शंकर, वैसी विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड भास्कर इव उदियाय। भगवान शंकर प्रचंड भास्कर के समान उदय उदित होकर देशव्यापी मोह मालिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। भगवान शंकर प्रचंड भास्कर इव उदियाय, भगवान शंकर प्रचंड भास्कर के समान उदित होकर के देशव्यापी मोह मालिन्यता को का त्याग करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा चकार, पुनः प्रतिष्ठा की। देशव्यापी मोह मालिन्यता को त्याग करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। बच्चों मीनिंग एक बार देख लीजिए। परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृताम दुष्टों के, कदाचित कभी, भूत्वा होकर, राक्षसाम राक्षसों का, उत्पाट्य नष्ट करके या उखाड़ कर, कलौ कलयुग में, अवैदिकस्य अवैदिक धर्म का, पंडितमनस्य पंडित मानने वाले, तिरस्चक्रु तिरस्कार करते थे, अंध तमिश्रयाम अंधविश्वासों के अंधकार में, मुहुर मुहुर मुह्यमानम मुह्यमनम बार बार मुग्ध होता हुआ शर्म कल्याण या सुख ले भी मने पा रहा था। प्रचंड भास्कर प्रचंड सूर्य उदियाय उदित हुआ, उजित्वा मने उल्मूनन करके। भावार्थ एक बार फिर से देखिए बच्चों। ये भारत भूमि धन्य है, जहाँ पर सज्जनों के त्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए जगत की सृष्टि स्थित है, स्थित और लय के कारण भूत परमात्मा स्वयं ही कभी राम तो कभी कृष्ण होकर प्रकट हुए। त्रेता युग में राम ने धनुष धारण करके कुमार्गामी राक्षसों का संहार करके वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की रक्षा की। द्वापर में कृष्ण ने धर्म को नष्ट करने वाले दुष्ट राजाओं का विनाश करके धर्म का उद्धार किया। वैसी स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हो गई, तब नील रक्त वर्ण भगवान शिव पुनः शंकर रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर शंकराचार्य के जन्म काल में वैदिक धर्म की अवनति और अवैदिक धर्म की प्रबलता थी, अर्थात नास्तिक धर्म की प्रबलता थी। अशोक आदि राजाओं का बल प्राप्त कर स्वयं को पंडित मानने वाले सांप्रदायिक लोग वेद मूलक धर्म का तिरस्कार करते थे। लोग जीवन अंधविश्वास के अंधकार पर बार बार मोहित होता हुआ एक क्षण के लिए कल्याण या सुख नहीं प्राप्त कर रहा था। उक्त विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड सूर्य के समान उदित हुए और उन्होंने देशव्यापी मोह की मलिनता को दूर कर फिर से वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की।
शंकरा केरल प्रदेशे मालावार प्रांते पूर्णाख्याया नद्या तटे स्थिते शलक ग्रामे अष्टाशीत्याधिके शततमे ख्रीष्टाब्दे नम्बूद्रकुले जन्म लेभे। शंकर केरल प्रदेश में मालावार प्रांत में पूर्णाख्याया नद्या तटे, पूर्णाख्या नाम वाली नदी के तट पर स्थित शलक ग्राम में सन 788 ईस्वी में नम्बूद्रकुले में जन्म लिया। तस्य पितुर नाम शिव गुरु आसीत, मातुश्च सुभद्रा। उनके पिता का नाम शिव गुरु था और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत। शैशवादेव बचपन से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। अष्टवर्ष देशीय सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रवीण्यमवापु। अष्टवर्ष देशीय आठ वर्ष के होने पर भी परम मेधावी असौ मने वह वेद वेदांगों में प्रवीण थे। आठ वर्ष की आयु के होते हुए भी उन्होंने वेदों और उसके अंगों अर्थात 6 शास्त्रों में योग्यता प्राप्त कर ली थी। दुर्दैवात बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंचत्वम् अवापु। दुर्दैवात दुर्भाग्यवश बाल्यकाले एव बचपन में ही तस्य पिता उनके पिता श्रीमान शिव गुरु पंचत्वम् अवापु अर्थात स्वर्गवासी हो गए। पितृवात्सल्य विरहिता मातृव ललिताश्चासु प्राक्तन संस्कार वशात जगतः मायामत्त्वम् अकल्य तत्व संधाने मनश्चकार। पितृवात्सल्य विरहिता पिता के प्रेम से रहित माता के द्वारा ही पाले पोसे गए। पूर्व जन्म के संस्कार वश पूर्व के संस्कार वश जगत को मायापूर्ण समझकर आकल्य मने होता जानकर तत्व संधान में मनश्चकार मन लगा लिया। तत्व के संधान में तत्व की खोज में अपने मन को लगा लिया। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभाव मन में उत्पन्न हुए वैराग्य के प्रभाव से सह प्रवर्जितुम येष वो संसार को छोड़ने की इच्छा करने लगे। अत्यधिक वैराग्य का प्रभाव होने से वो प्रवर्जितुम येष संसार को छोड़ने की इच्छा करने लगे। परम स्नेह निर्भरा तद एक तनियांबा नानुज्ञाम ददौ। लेकिन परम स्नेहमयी उन्हीं एक पुत्र पर अवलंबित माता तद एक तने वाली अम्बा की ने आज्ञा ना अनुज्ञाम ददौ। ना मने नहीं, अनुज्ञाम मने आज्ञा नहीं दी। परम स्नेह निर्भरा किंतु परम स्नेह
से परम स्नेह वाली एक माता का एकमात्र पुत्र होने के कारण माता ने उसको आज्ञा नहीं दी। लोक रीति परा शंकरा मातुर अनुज्ञाम बिना प्रवज्ञाम अंगीकर तुम न शशांक। लोक रीति पर अर्थात लोक रीति को मानने वाले शंकराचार्य माता की आज्ञा के बिना संसार त्याग करने को स्वीकार ना कर सके। लोक रीति पर अर्थात लोक रीति को मानने वाले शंकर जो है माता की आज्ञा के बिना प्रावर्ज्यम अंगी को तुम नष्ट बैराग को स्वीकार नहीं कर सके। अर्थ देखिए शब्दार्थ पूर्णाख्या पूर्णाख्याया पूर्णा नाम की नंबूद्र कुले नंबूद्र अर्थात ब्राह्मण कुल में अलौकिक प्रतिभा संपन्ना अलौकिक प्रतिभा से युक्त परम मेधावी अत्यंत बुद्धिशाली वेद वेदांगेशु वेद और वेदों के अंगों अथवा शास्त्रों में प्रवीणम अवाप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली पंचत्वम अवाप स्वर्गवासी हो गए। प्राक्तन संस्कार वशात पुराने संस्कारों के कारण आकल्य आकलन करके तत्व संधाने सही तत्व के ढूंढने में मनस्यकार विचार बना लिया। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभाव उत्पन्न हुए वैराग्य के प्रभाव में अंगीकार तुम न शशांक स्वीकार नहीं कर सके। एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णतायां पूर्णायां सरिति स्नातुं गतः। एवं गच्छत्सु इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर एवं गच्छत्सु दिवसेषु दिनों के बीत जाने पर शंकरः पूर्णायां सरिति पूर्णा की नदी में स्नान करने के लिए गए। यावत सा सरितो अंता प्रविष्टा जैसे ही वो नदी के अंदर प्रवेश किया जैसे उन्होंने नदी के अंदर प्रवेश किया तावद एव तभी बलिना ग्राहण बलि के द्वारा ग्रहण कर लिए गए पकड़ लिए गए बाज मगरमच्छ के द्वारा ग्रहण कर लिए गए पकड़ लिए गए। शंकर आसन्नम मृत्युमेव अवेक्ष आर्तस्वरेण चुक्रोश शंकर को मृत्यु के निकट देख करके आर्तस्वर से चिल्लाए तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचीय रसम विललाप उनकी वत्सला प्रेममयी माता स्वपुत्र से अपने पुत्र के स्वर को परिचीय मने पहचान कर रसम मने अत्यधिक विलाप करने लगी। तस्या तादृशी विपन्नम अवस्थाम अनुभूय सा तस्य निवेदयत तस्या तादृशी उनकी वैसी विपन्नाम अवस्था विपन्न अवस्था को अनुभूय अनुभव करके सह मने वो तस्य निवेदयत उन्होंने उनसे निवेदित किया अम्ब माता यदि ते मम जीवते अनुराग स्यात् यदि वे मेरा जीवन मेरे जीवन के प्रति अनुराग है यदि उनको मेरे जीवन के प्रति अनुराग है तरी तो संन्यासाय माम अनुजीहि तेनैव मे ग्रहान मुक्तिर भविष्यति तो संन्यास के लिए मुझको जाने की आज्ञा दे दें तेनैव तभी मे ग्रहान मुक्तिर भविष्यति तभी मुझे इस ग्रहान से इस मगरमच्छ से मुक्ति मिलेगी। अनन्य गति माता तथेत्वाच अन्य कोई गति ना होने से अन्य कोई उपाय ना होने से माता ने वैसा ही हो ऐसा बोल दिया ऐसा कहा। सद्य तद ग्रहात मुक्तः संन्यासम अवलंब्य पुत्र विरह संतप्ता मातरम संतत्वा तया बंधैवश्च अनुज्ञाता यति वेशधरा स्वजन्म भूमिं त्यक्त्वा देशानर्तुं प्रवत्तः। सत्य तद ग्रहया ग्रहात
शीघ्र ही ग्रह के ग्रह से मुक्त हुए। सह संन्यासम अवलंबित उन्होंने संन्यास का आश्रय लेकर के पुत्र विरह संतप्त पुत्र के विरह से संतप्त माता को सांत्वना दे करके तया बांधवश्च अनुज्ञाता बांधवी अनुज्ञाता यति वेशधरा स्व जन्म भूमि त्यागत्वा तया मने उनके द्वारा बांधवों से परिचित यति वेशधरा यति का वेश धारण कर स्व जन्म भूमि त्यागत्वा अपनी जन्मभूमि को त्याग करके देशान तुम प्रवत्ता देशाटन के लिए निकल पड़े। वन वीथिकासु परिभ्रमण सह क्वचित गृहान वर्तितम गौड़पाद शिष्यम गोविंदा पादांतिकम जगाम। वन वीथिकासु वन के गलियों में परिभ्रमण घूमते हुए सह क्वचित वो किसी क्वचित गृहान वर्तिनम कहीं पर गुफा के अंदर बैठे हुए गुहांत वर्तिनम गौड़पाद शिष्यम गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास जगाम मने गए पहुँचे। यति वेशधारिणम तम गोविंद पादा पप्रक्ष यति वेशधारी तम गोविंद पाद ने यति वेशधारी उनको गोविंद पाद ने प्रपक्ष ने पूछा को असि तुम भो हे तुम कौन हो। शंकर बोले मनोबुद्धे अहंकार चित्तानि न अहम श्रोत्रम न जिव्या न प्राण नेत्रम न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपा शिवोहम। मनोबुद्धे अहंकार चित्तानि न अहम श्रोत्रम न जिव्या न च प्राण नेत्रम। शंकर ने कहा कि ना मैं मन हूँ ना बुद्धि हूँ ना अहंकार हूँ ना चित्त हूँ ना मैं काम हूँ ना मैं जीव हूँ ना प्राण हूँ ना नेत्र हूँ ना आकाश हूँ ना भूमि हूँ ना तेज हूँ और ना वायु हूँ। मैं चित आनंद शिव हूँ शिवोहम। मैं शिव हूँ शंकर हूँ। एतत् मौलिकीं वाचम् उपश्रुत्य गोविंद पादा तम साधारणं जनं मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षां ददौ। एतत् अलौकिकीं वाचम् उपश्रुत्य इस अलौकिक वाणी को सुनकर गए गोविंद पाद ने तम साधारणं जनं मत्वा उनको साधारण जन मान करके तस्मै उनको संन्यास की दीक्षा दे दी। गुरु गोविंद पादाद एव वेदांत तत्त्वम विधिवत अधीत्य सह तत्वज्ञो बभूव। गुरु गोविंद के पाद से ही वेदांत तत्व को विधिवत अध्ययन करके उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य गुरुर आज्ञया सृष्टि के रहस्य को जान करके गुरुर आज्ञा गुरु की आज्ञा से सह वैदिक धर्मो उदाहरणार्थम उन्होंने वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ग्रामाद ग्रामम नगरान नगरम अटन ग्राम से गांव को नगर से नगर को विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए सह काशीम प्राप्ता वो काशी पहुंच गए। काशीवास काले सह व्यास सूत्राणम उपनिषदाम श्रीमद भगवत गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान। काशीवास काले काशी में निवास करते समय उन्होंने व्यास सूत्र उपनिषद श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भगवत गीता के भाष्यों को रचा भाष्य लिखे। बस बच्चों आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का गद्यांश हम अगले दिन अगली कक्षा में पढ़ाएंगे।